साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे डाइक्लोपिल। डाइक्लोपिल एक जो है डाइक्लोफेनिक सोडियम जिसका कंपोजिशन है वो इंजेक्शन है। साथियों ये पिल साइकोट्रॉपिक एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका ब्रांड है ये डाइक्लोपिल के नाम से। साथियों 1 ml का इंजेक्शन है। साथियों लगभग 23 रुपीज पैसे के जो है इसकी MRP है मार्केट में। इजली से जो है केमिस्ट की दुकान पे ये मिल जाता है। साथियों इसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे कि डाइक्लोपिल इंजेक्शन है क्या, साथ ही साथ इसके यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे एंड डाइक्लोपिल हाउ टू वर्क इन द बॉडी और ये शरीर में कैसे वर्क करेगा, इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, वार्निंग की बात करेंगे, साथियों कंट्राइंडिकेशन की एंड इम्पॉर्टेंट डोजेस की बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। डाइक्लोपिल इज यूज टू रिड्यूस द पेन एंड इन्फ्लामेशन इन कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड स्पॉन्डिलाइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। कहने का मतलब ये एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक साथियों ये इंजेक्शन है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ये दवा है। साथियों इसकी टैबलेट भी आती है, डाइक्लोपिल डाइक्लोफेनिक सोडियम एंड पोटेशियम टैबलेट भी आती है साथियों। साथियों डाइक्लो जेल भी आता है, डाइक्लो इंजेक्शन भी आता है। साथियों जो हम अभी बात कर रहे हैं वो डाइक्लोपिल इंजेक्शन डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। साथियों अर्थराइटिस का दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का है, रूमेटॉइड का दर्द है या सूजन है या किस बॉडी में किसी तरह का एच है, किसी तरह का पेन है, उसमें ये इस्तेमाल करने वाला इंजेक्शन है। इट मे आल्सो बी यूज रिलीव मसल स्पास्म एंड मसल पेन। साथियों बैक पेन में भी इस्तेमाल किया जाता है, टूथेक दांत में दर्द होता है उसमें भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं एंड पेन इन द ईयर्स और कान में दर्द होने लगता है और जो है थ्रॉट में पेन होता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। साथियों ये तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, इम्पॉर्टेंट इसके यूजेस की बात करेंगे। साथियों सबसे पहले बताएंगे कि डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन जो है डाइक्लोपिन इंजेक्शन है ये पेन रिलीविंग होता है। शरीर में कहीं पे भी पेन है तो उसमें जो है डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। साथियों इन्फ्लामेशन है, अगर कहीं सूजन है शरीर में उसकी वजह से दर्द है, स्वेलिंग है उसकी वजह से दर्द है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ बैकेक पीठ का जो दर्द है, कमर का दर्द है उसमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ईयर एच कान के अंदर दर्द है, थ्रॉट पेन है, साथियों टूथ हेत है, दांतों में दर्द है, डेंटिस्ट इसको जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। और साथियों क्या है, पेन ड्यू टू अर्थराइटिस, कहने का मतलब है अर्थराइटिस जो है जोड़ों का दर्द है, ओल्ड एज जेरियोटिक रिकवरी जो वृद्ध लोग होते हैं उनको अर्थराइटिस हो जाती है। ऐसे केस में क्या होता है, जब असहनीय दर्द हो जाता है तो डॉक्टर जो है इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है साथियों, स्पॉन्डिलाइटिस है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथियों डिसमिनोरिया पेन साथियों ये होता है कि महिलाओं के अंदर जो मासिक धर्म आता है, मेनस्ट्रुअल साइकिल आती है, कभी कभी बहुत हैवी पेन होने लगता है। ऐसे केस में क्या होता है कि गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है डाइक्लोपिल जो है इंजेक्शन को रिकमेंड करती हैं एंड माइल्ड टू मॉडरेट पेन उसमें भी इसको जो है रिकमेंड करते हैं। जैसे साथियों माइग्रेन का दर्द है, ब्रूसाइट्स होता है, ब्रूसाइट होता है मतलब जोड़ों के पास जो साथियों क्या होता है कि टिशू जो हड्डी से जुड़े होते हैं, ऊतक कहने का मतलब है, उसमें जो है क्या होता है कि सूजन आ जाती है और दर्द होता है। ऐसे केस में डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है एंड टेंडिनाइटिस जो है मतलब कहने का मतलब है टेंडॉन्स जो शरीर के अंदर होते हैं उसमें सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होता है, दर्द होता है ऐसे केस में। और साथियों किसी तरह का बॉडी में फ्रैक्चर होता है और हेडेक अगर हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, डेंटल पेन हो रहा है, ईयर पेन हो रहा है, एक्सीडेंटल इंजुरी है अगर किसी तरह की, तो उसमें क्या होता है कि डाइक्लोपिल इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। साथियों मरीज का जैसे ऑपरेशन होने के बाद कहने का मतलब है पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है उसमें, और किडनी में स्टोन जो होता है उसका जो पेन होता है उसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों डॉक्टर अपने विवेक से इसको जो है रिकमेंड करते हैं। इसके और भी बहुत हिडन यूजेस हैं, पूरा बताना मुश्किल है। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे, इसको लगाने से साथियों कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे नोजिया होता है, पेट में कभी कभी गैस्ट्रिक गैस बनने लगती है, हार्ट बर्न होने लगता है, डायरिया हो जाती है और भूख की कमी हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन बन जाता है और जहाँ पे इंजेक्शन साथियों लगाया जाता है इंजेक्शन साइट पेन हो जाता है, जैसे रेडनेस हो जाती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाता है। ये जो है कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इनकेस अगर सीवियर साइड इफेक्ट अगर दिखता है तो तुरंत इसका जो है यूज बंद कर दें और अपने डॉक्टर को बताएं। साथियों ये बॉडी में वर्क कैसे करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
डाइक्लोपिल बॉडी में वर्क कैसे करता है, डाइक्लोपिल इंजेक्शन हाउ टू वर्क इन द बॉडी। साथियों ये क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो मतलब फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जिसको हम साथियों ये कहते हैं कि केमिकल मैसेंजर्स हैं, उनको जो है क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है। और उस जो केमिकल मैसेंजर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो पेन बताते हैं बॉडी को, सूजन, इन्फ्लामेशन, रेडनेस होती है, उससे क्या होता है पेन बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब है डाइक्लोपिल ब्लॉक सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेन, इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड स्वेलिंग, किसी तरह का पेन है वो बंद हो जाता है। इंट्रैक्शन की बात करेंगे साथियों, तो बहुत सी मेडिसिन के साथ इसका इंट्रैक्शन है, जैसे कि रैमिप्रिल है, एस्प्रिन अगर खाते हैं और ऐसे केस में जो है डाइक्लो इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, अगर इसी नया साइड क्लास की और अगर मेडिसिन चल रही है साथ में तो उसको नहीं चलाना है। अगर डाइक्लो चल रही है तो इंजेक्शन लग रहा है तो वही जो है दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या होता है, जिन लोगों को साथियों फ्लूइड रिटेंशन की बीमारी होती है, जिसको हम सूजन हो जाती है, एडिमा कहते हैं, तो उनको नहीं लगता है, स्किन रैसेस होते हैं या किडनी फंक्शन इम्पायर्ड होते हैं, किडनी में जो है प्रॉब्लम होती है तो उसमें नहीं लगता है, वो हार्ट अटैक जिनको आ चुका होता है। तो इसीलिए साथियों जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं, अगर कोई बीमारी है या कोई दवा पहले से नहीं सूट कर रही है तो तुरंत डॉक्टर को बताएं ताकि वो अपने विवेक से उसको लिख सकें। साथियों वार्निंग की बात करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं या गर्भ धारण करना चाह रही हैं, प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग कर रही हैं, तो ऐसे केस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और साथियों जिनकी बाईपास सर्जरी होती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, ऐसे केस में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथियों कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे साथियों, जैसे एलर्जी है, अगर डाइक्लो पहले कभी लगा है और उससे एलर्जी है तब ना लगवाएं, अदरवाइज प्रेगनेंसी, और जिनको पेप्टिक अल्सर है और जो है क्या होता है आंतों से खून बह रहा है, आंतों में घाव है, ऐसे केस में डाइक्लो इंजेक्शन नहीं लगेगा। साथियों डोज की बात करेंगे, साथियों वैसे तो जो है इंट्रामस्कुलर ही इंजेक्शन लगता है, लेकिन बहुत से केस में क्या होता है आईवी भी दिया जाता है। आईवी में साथियों क्या होता है कि जिस इंजेक्शन पे कंपनी ने राइट किया होगा कि आईवी एंड आईएम यूज ओनली, वही इंजेक्शन लगेगा, अदरवाइज आईएम ही लगाया जाएगा। साथियों आईवी जैसे ये हमारे पास इंजेक्शन है, ये इंट्रावीनस भी दिया जा सकता है। इंट्रावीनस जो साथियों दिया जाता है वो 1 ml होता है, जिसमें 75 जो है mg जो है डाइक्लोफिनिक सोडियम होता है। साथियों बहुत से ब्रांड मार्केट में हैं जिसमें क्या कहते हैं कि डाइक्लोफेनिक के लिए फेमस है, जैसे वोबरान है इंजेक्शन, साथ ही साथ क्या है कि डायनापार है, डोलोकाइंड है, इस तरह से मार्केट में। इन केस आपको डाइक्लोपिल नहीं मिल रहा है मेडिकल स्टोर पे, अगर आप डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन बताएंगे तो आसानी से केमिस्ट दे देगा। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।